हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसवर इजाज एंड वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कंप्लीट कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। आज की वीडियो में हम ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की मैप के बारे में बात करेंगे। ब्लेंडर 4.1 को इंस्टॉल करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ जनरल के ऊपर क्लिक करना है। तो यह है ब्लेंडर का फर्स्ट इंटरफेस, जिसमें हमारे पास एक क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज़रूरी चीज़ है की मैप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि की मैप होता क्या है। देखो, जब भी हम किसी 3D सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन वगैरह वगैरह। अब काम की बात यह है कि आपका और मेरा की मैप सेम होना चाहिए। की मैप का मतलब ये है कि अगर मैं अपने कंप्यूटर में कोई की प्रेस करता हूँ तो उस की प्रेस करने पर जो एक्शन मेरे कंप्यूटर में परफॉर्म होगा, वही सेम एक्शन उस की को प्रेस करने पर आपके कंप्यूटर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ तो मेरे कंप्यूटर में फाइल सेव हो, जबकि आप कंट्रोल एस प्रेस करो तो कुछ और ही एक्शन परफॉर्म हो। अगर हमारा की मैप सेम नहीं होगा तो आप इस कोर्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस की मैप को डाउनलोड करो। और जब ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाए तो ब्लेंडर में यहाँ एडिट मेन्यू में आओ, यहाँ इस लास्ट ऑप्शन प्रीफ्रेंसेस पर क्लिक करो। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी की मैप की, इस पर क्लिक करो। यहाँ इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करो और इस की मैप को जो आपने डाउनलोड किया है उसे इंपोर्ट कर लो। इसके बाद यहाँ इनपुट की ऑप्शन में जाओ और यहाँ एमुलेट 3 माउस बटन वाले ऑप्शन को टिक कर दो और प्रेफरेंसेस विंडो को क्लोज कर दो। अब आपने ये भी चेक करना है कि ये की मैप सही से इंपोर्ट हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को दबा कर रखो और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को भी दबा कर रखो। अब अपने माउस को लेफ्ट या राइट साइड की तरफ मूव करो। अगर आप ब्लेंडर में ऐसे रोटेट कर पा रहे हो तो की मैप इंपोर्ट हो चुका है। अब इस की मैप को यूज़ करने से आपके और मेरे कीबोर्ड के बटन्स के एक्शन मैच होंगे, लेकिन अगर आप इस की मैप को इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपके और मेरे एक्शंस मैच नहीं होंगे। इसलिए की मैप को इंपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी आज की वीडियो में आपने ब्लेंडर का फर्स्ट इंटरफेस देखा और यह भी जाना कि की मैप क्या होता है और इसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। की मैप के चक्कर में हमने ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेंडर के इंटरफेस को डिटेल से समझेंगे।